गुड मॉर्निंग क्लास। सो आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आज हमें सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो आइए हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? राइट द फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच दिस सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन। आपको पहले इनका फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको बताना है ये किस एसिड और किस बेस से बने होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सोडियम सल्फेट, यही है नहीं, पोटेशियम सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K2SO4। कैसे बनेगा? हाँ, मैक्सिमम लोग तो बना ले होंगे। देखिए पोटेशियम पे हमेशा कितना आता है, प्लस चार्ज, और सल्फेट पे हमेशा कितना आता है, टू माइनस। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ टू से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा K2SO4। अब देखिए किससे बना होगा, पोटेशियम है, यानी कि इसका बेस रहा होगा, तो ये क्या कौन सा बेस रहा होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो सल्फेट है ये कहाँ से मिला होगा हमें, सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी कि H2SO4 से। आइए देखिए ये बना हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमारे पास है सोडियम सल्फेट। अब देखिए सोडियम पे भी सिंगल प्लस होता है, सल्फेट पे टू माइनस, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा, बन जाएगा। अब देखिए किससे बना, सोडियम से कौन सा बेस बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सल्फेट हमें कहाँ से मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी कि ये बना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से। नेक्स्ट हमारा कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए कैल्शियम पे प्लस टू चार्ज होता है और सल्फेट पे टू माइनस, क्या इनमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं, यानी कि इसका आंसर डायरेक्ट क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब बात करते हैं किससे बना होगा, तो कैल्शियम वाला बेस कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बेस में हाइड्रोक्साइड होते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब सल्फेट हमें कैसे मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो H2SO4 हो गया। ऐसे और भी हैं इसमें, देखिए कैल्शियम सल्फेट के बाद हाँ मैग्नीशियम सल्फेट है, बताइए मैग्नीशियम पे प्लस टू, सल्फेट पे टू माइनस, यानी कि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, बन जाएगा। अब ये किससे बना होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस से और सल्फेट है, तो किससे बना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड से। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट कॉपर सल्फेट, हाँ कॉपर पे प्लस टू, सल्फेट पे माइनस टू, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, CuSO4, ये क्लियर है। अब देखिए कॉपर का बेस कॉपर हाइड्रोक्साइड, सल्फेट है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से। अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम पे क्या होता है, सिंगल प्लस Na+, क्लोरीन पे भी क्या होता है, सिंगल माइनस, यानी कि डायरेक्ट कंबाइन होगा, फॉर्मूला क्या बनाएंगे, NaCl, इनका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaCl। अब बताइए Na से कौन सा बेस बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड वाला कौन सा एसिड होता है, हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम नाइट्रेट, इसी तरह सोडियम Na सिंगल प्लस, नाइट्रेट NO3 सिंगल माइनस, ये रेडिकल्स आपको पहले पढ़ाए जा चुके हैं, ये कंबाइन हो जाएंगे क्या बनेगा, NaNO3, बन जाएगा। तो बस अब देखिए सोडियम से हमें कौन सा बेस मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नाइट्रेट हमें किससे मिलता है, नाइट्रिक एसिड से, किससे, नाइट्रिक एसिड से। तो आप नाइट्रिक एसिड को लिख लेंगे HNO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिख लेंगे NaOH। अब सोडियम कार्बोनेट, फिर से वही बात, कार्बोनेट पे होता है टू माइनस, सोडियम पे होता है सिंगल प्लस, यानी कि सिंगल प्लस में टू से मल्टीप्लाई करना होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2CO3, बात समझ में आ रही है, Na2CO3। अब सोडियम से सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट हमें किससे मिलना होगा, कार्बोनिक एसिड से। अब नेक्स्ट हमारा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयन NH4+ और क्लोरीन सिंगल माइनस, डायरेक्ट कंबाइन हो गए, यानी कि NH4Cl बनेगा। अमोनिया हमें किससे मिला होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, और क्लोराइड किससे मिला होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये देखिए सारा आंसर आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए क्या दिया, 10 फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन द अबव गिवन सॉल्ट।
ये जो सॉल्ट दिए गए हैं इसमें टोटल अगर आप चाहें तो टोटल 10 फैमिली ऑफ सॉल्ट निकाल सकते हैं। कौन कौन से? पोटेशियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट है, मैग्नीशियम सॉल्ट है, कॉपर सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट है। उसके बाद हम सल्फेट सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट एंड कार्बोनेट सॉल्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्ट को सॉल्यूशन बना लें यानी कि लिक्विड में उसको घोल दें तो उस केस में उसका पीएच कितना आएगा? सही बात है, ये भी तो जानना होगा। एसिड का लेस देन 7, बेस का मोर देन 7, न्यूट्रल का 7। तो हमें डिस्कस करना होगा ये जो सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे हम इसकी पीएच वैल्यू कितनी आएगी। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। सॉल्ट कैसे बनता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। सो वी शुड एक्सपेक्ट दैट द सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट इन वाटर विल बी न्यूट्रल टुवार्ड्स लिटमस। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं या हम ऐसा उम्मीद करना चाहिए कि जितने भी सॉल्ट बनेंगे उनसे अगर पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की जाए तो वो कितनी आएगी? 7, यानी कि न्यूट्रल आएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए जब भी एसिड बेस रिएक्ट करते हैं क्या हो जाते हैं? वो न्यूट्रल हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि ना वो एसिड रहते हैं ना वो बेस रहते हैं। तो उस केस में अगर न्यूट्रल है तो पीएच की वैल्यू कितनी आएगी? 7। लेकिन ऐसा हर बार होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होगा ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए, पहले हम आपको समझाते हैं फिर बताते हैं। मान लीजिए मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और मैंने उसको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराया, तो ये भी स्ट्रॉन्ग था, ये भी स्ट्रॉन्ग था, दोनों एक दूसरे के दुश्मन, लड़ाई करके कौन बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म। क्या बन गया? ये न्यूट्रल। यानी कि इस केस में पीएच की वैल्यू कैसी होगी? 7 के इक्वल आएगी। अब ध्यान से देखिएगा, अब मेरे पास वीक एसिड है और वीक बेस है, दोनों वीक हैं, दोनों लड़ेंगे फिर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रल कंडीशन, पीएच इक्वल टू 7। सही है। अब हमें ध्यान से देखिए, अब मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं वीक बेस से। अभी बताइए बेस क्या करेगा? एसिड के इफेक्ट को कम करेगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो बताइए ये तो इसकी इफेक्ट को कम करेगा, नो डाउट कि कम करेगा। क्या वो इतना काबिल है कि इसको पूरा कैंसिल कर दे? नहीं कर पाएगा ना। तो इसका मतलब कौन जीतेगा? ओवरऑल ये जीतेगा। तो जो मेरा जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनता है? एसिडिक सॉल्ट बनता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एसिड इफेक्ट अभी रह जाएगा क्योंकि ये तो वीक था बेचारा, जितना हो सका उतना तो इसको कैंसिल किया, लेकिन ये स्ट्रांग था इसलिए इसे कुछ पार्ट्स अभी बचे रह गए होंगे। हाँ, इसलिए ये जो सॉल्ट देगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा और उसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 7 होगी। क्या होगी? लेस देन 7। अब एक आप करके बताइए, अब मेरे पास है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इनका रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा, ये सबको पता है। अब हमें ये बताइए जो सॉल्ट बनेगा ये न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक? हाँ पकड़ लिए ना, क्या होगा? बेसिक होगा। क्यों? ये वीक एसिड इसे इफेक्ट जरूर कम किया होगा लेकिन ये वीक एसिड इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि इसको पूरा न्यूट्रलाइज कर सके, तो फिर क्या किया? हाँ, उसके बेस वाले इफेक्ट को थोड़ा सा कम किया होगा, यानी कि अभी भी सॉल्ट में कुछ ना कुछ बेसिक इफेक्ट होगा और सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक इन नेचर। तो ये पीएच की वैल्यू क्या आएगी? पीएच विल बी ग्रेटर देन 7, यानी जो पीएच की वैल्यू आएगी वो 7 से बड़ी आएगी। बेसिक कैरेक्टर का मतलब ही हुआ जो 7 से बड़ी पीएच देगा। समझ में आ रहा मेरी बात? कर सकते हैं, चले आइए। दो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। हाँ, ये बात और है कि ज़्यादातर जो सॉल्यूशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हों या वीक एसिड वीक बेस से बनी हो, तो उस केस में हमेशा हमें न्यूट्रल सॉल्ट देखने को मिलता है, यानी पीएच की वैल्यू 7 देखने को मिलती है। बट सम सॉल्ट्स प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे भी होंगे जिसका नेचर या तो एसिडिक देखने को मिल सकता है या फिर बेसिक देखने को मिल सकता है। व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर द पीएच वैल्यू ऑफ सम सॉल्ट्स आर गिवन
बिलो। अगर हम कुछ सॉल्ट की बात कर लें तो देखिए सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, आप हमें ये बताइए सोडियम क्लोराइड किससे बना होगा? हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हमें ये बताइए ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनके रिएक्शन से बताइए जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा या बेसिक? हाँ, वो तो न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों ही क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे। यानी कि इस केस में पीएच की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 7 मिलेगी। बात समझ में आ रही है मेरी? आइए दूसरा एग्जांपल, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम से हमें क्या मिला होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कौन सा बेस है? वीक बेस, प्लस हाँ अमोनियम क्लोराइड है ना, यानी कि फिर HCl ही मिला होगा हमें। अब बताइए ये वीक बेस है, ये कैसी एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक? हाँ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए सॉल्ट भी क्या होगा? एसिडिक होगा। और उसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी? पीएच वैल्यू विल बी लेस देन 7। उसकी पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो कितना मिलता है हमें? 6 मिलता है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही एक और एग्जांपल है, उसको भी समझ लीजिए, दैट इज सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, अब सोडियम किससे बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और कार्बोनेट किससे बना होगा? कार्बोनिक एसिड से, यानी कि H2CO3 से। अब बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, कार्बोनिक एसिड को हम किस में पढ़ते थे? मिनरल एसिड में। लेकिन हमने कहा था इसके एक भी प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग एसिड से मैच नहीं करते, ये कैसे बिहेव करता है? वीक एसिड की तरह। बताइए इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है? ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? यस, द सॉल्ट फॉर्म्ड विल बी बेसिक इन नेचर। नेचर में कैसा होगा? बेसिक। और उसकी पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोर देन 7, क्योंकि बेस है तो उसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी? 7 से बड़ी होगी। और एग्जैक्ट अगर कोई पूछ ले कितना होता है तो दैट इज 9। तो आप ये इसमें यहाँ से यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद ये टेबल यहाँ से यहाँ कंप्लीट कर लेंगे, कर सकते हैं। आइए आगे भी कुछ चीज़ दिया है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वी कैन सी दैट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल। हम देख के बता सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड का है वो कैसा है? न्यूट्रल है। बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक, वेयर एज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर। या अल्कलाइन कह लीजिए, हम अल्कलाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाटर में सोल्यूबल है वो। द एसिडिक नेचर एंड द बेसिक नेचर ऑफ सम सॉल्ट सॉल्यूशंस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? सॉल्ट का ब्रेकडाउन। तो अगर हम सॉल्ट का ब्रेकडाउन कराएं, ठीक है, जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो आयंस में टूट जाता है, तो उस आयंस के बेस पे हम बता सकते हैं कि वो एसिडिक क्यों हो रहा है और वो बेसिक क्यों हो रहा है, जबकि एक ऐसा भी है जो कि न्यूट्रल हो रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला, आप पहला पॉइंट डालेंगे तो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, देखिए दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, कौन जीतेगा? कोई नहीं, यानी कि क्या बन गया हमारा? न्यूट्रल। गिव्स न्यूट्रल सॉल्यूशन दैट इज पीएच इक्वल टू 7। आप यहां से यहां तक नोट कर लेंगे, कर सकते हैं। चलिए आगे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिंस सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है, इसलिए सॉल्ट ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। Therefore, an aqueous solution of sodium chloride is neutral. It does not have any cations on litmus. It does not have any action on litmus. क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो आप लिटमस पेपर को डिप करें तो भी आपको कलर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। Another example of a salt which gives a neutral solution is potassium sulfate.
अब देखिए पोटेशियम किससे बना होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। सल्फेट किससे मिला होगा हमें, सल्फ्यूरिक एसिड मिला होगा ना, वो भी क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कौन से सॉल्ट मिलती है हमें, न्यूट्रल सॉल्ट, यानी कि उसकी पीएच की वैल्यू कितनी रहेगी 7। सेकेंड पॉइंट एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे NaCl और KCl, ऐसे आप चाहें तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड पॉइंट, दैट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब बताइए एसिड स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस वीक है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा एसिडिक, गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन हैविंग पीएच लेस देन 7। एग्जाम्पल आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है, ये पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल यहाँ दिया, आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, एक्सप्लेन हमने पहले ही कर दिया आपको, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड किससे बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखिए व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन वाटर, आई थिंक ये अब आप लोग का ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल्स में इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको इससे एग्जैक्ट मतलब तो समझ में आ गया ना कि कब कितना और क्यों हो रहा है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है वो नेचर में कैसा है एसिडिक। अब बताइए अगर इसमें आप बेस सॉरी इसमें आप लिटमस पेपर को डीप करेंगे तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, अगर वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो वो किस में चेंज हो जाता है रेड में, अगर वो पहले से ही रेड रहेगा तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इतना नोट करने के बाद एग्जाम्पल में लिख लेंगे अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद आप ये पॉइंट इतना नोट कर लेंगे, सही है, कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम, दैट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग कौन है बेस, यानी कि जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा होगा बेसिक, हैविंग पीएच मोर देन 7। इना नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल में आप ले लेंगे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसका नेचर बेसिक है तो ये रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू बनाएगा, अगर पहले से ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो उसको कोई चेंज नहीं देगा, ठीक है। ये कहीं दिया है, देना तो चाहिए ना, देखिए कहाँ दिया गया, ओके यहाँ दिया है, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, कर सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप कर लेंगे, एक्सप्लेन तो हम पहले ही कर दिए थे, एक्चुअली हम एक और कर देते हैं कम से कम, हम ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी जो पीछे का वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ नया नहीं है, जो कुछ हम लोग पहले पढ़ रखे हैं वही चीज़ उसमें लिखी गई है। चलिए फिर भी हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड ये तो हो गया था ना, लेटेस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब हम सोडियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड दैट इज कार्बोनिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट विल बी बेसिक इन नेचर। इसका मतलब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा सॉरी सोडियम कार्बोनेट होगा जो सॉल्ट बनेगी वो कैसा होगा, वो बेसिक होगा नेचर में। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो, जब भी आप सोडियम कार्बोनेट को वाटर में मिक्स करते हैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, यानी कि वो टूट जाता है, इट गेट हाइड्रोलाइज टू सम एक्सटेंट एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। जैसे इसको वाटर में मिक्स करते हैं तब वो क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस विच इज फुल्ली आयनाइज्ड, और वो हमें क्या देगा, ढेर सारा हाइड्रोक्साइड आयन देगा एंड गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। जबकि कार्बोनिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, तो ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगा और हमें एच प्लस आयन ज़्यादा देगा कम देगा, कम देगा, वीक एसिड का मतलब ही वही है जो H प्लस आयन्स क्या दे, कम। ओके सिंस द सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन कंटेन्स मोर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा क्या है हाइड्रोक्साइड आयन्स और कम क्या है, हाँ दैट इज एसिडिक आयन्स दैट इज H प्लस।
तो नेचर में ये कैसा हो जाएगा, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा यानी कि OH- माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए नेचर में कैसा होगा, बेसिक। और ये क्या करेगा, रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। अगर आपसे दूसरा कोई एग्जांपल पूछा जाता है तो आप ले सकते हैं एग्जांपल किसका, सोडियम एसीटेट का। ये किससे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। और सोडियम एसीटेट क्या है, सॉरी एसिटिक एसिड क्या है आपका, हाँ दैट इज वीक एसिड। तो वीक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से क्या मिलेगा आपको, हाँ एक सॉल्ट मिलेगी जो कि बेसिक होगी नेचर में। इट इज फॉर्म फ्रॉम अ वीक एसिड कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो चलिए आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।